अच्छा हमारा जो कोर्स है एबीपी का, हमारे कोर्स का नेम है आईटी स्किल्स, ठीक है। ठीक है। अच्छा आईटी स्किल्स, अब आप लोगों को एक चीज बता दी गई होगी कॉलेज की तरफ से भी कि अब जो एडीपी है ये है सेमेस्टर वाइज, और आप लोगों का जो एक सेमेस्टर की ड्यूरेशन है वो है 6 मंथ्स की, ठीक है। तो उस 6 मंथ के अंदर हमारे पास दो चीजें होंगी, हमारे पास दो पेपर होंगे, एक होगा मिड और एक फाइनल। होगा फाइनल। मिड जो होगा वो देगा कॉलेज और फाइनल जो होगा वो देगी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब गेम क्या है कि ये कहा यह जाता है कि हमारा जो टोटल सेमेस्टर होता है, जो एक सेमेस्टर की ड्यूरेशन है वो है 6 मंथ। 6 मंथ के, ठीक है। और कहा यह जाता है 6 मंथ कहा जाता है, या हम लोग इसको कहते हैं 32 वीक, ठीक है। सही। इसके अंदर जो मिड होता है हमारा वो होता है इनिशियली, हम लोग उसको कहते होते हैं 16 वीक्स, या ये होता है 3 मंथ्स का। और जो सेम है हमारे पास फाइनल, वो भी यही नोटेशन जारी है, ठीक है। लेकिन गेम ये होती है कि यूनिवर्सिटी के अंदर 6 मंथ्स को फॉलो नहीं किया जाता, जबकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे पास सेमेस्टर बनता है, सेमेस्टर यूनि का जो इनिशियली होता है वो हमारे पास मैक्सिमम जो आज तक सेमेस्टर गए हैं यूनिवर्सिटी के वो गए हैं 3 पॉइंट, बल्कि मैं उन्हें कहता हूँ 4 मंथ्स के। तो ये हमारे पास जो टोटल वीक्स बनते हैं ये कभी कभी बन गए हैं 28, ठीक है जी। लेकिन ये भी मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा, हमारे पास इतने हफ्ते होते नहीं है। हमारे पास जनरली क्या होता है, हमारे पास जो जनरली होता है वो होता है 8+8, यानी 2 महीनों का हमारे पास मिड होता है और 2 महीनों का हमारे पास फाइनल हो रहा होता है, ठीक है। 8 हफ्तों का मिड होता है और 8 हफ्तों का हमारे पास फाइनल हो रहा होता है जी सर। अब सर कब इनका कब मिड और फाइनल होगा जो अब ये एडीपी का? अच्छा हाँ, मैं आपको वही बताने लगा। जो यूनिवर्सिटी ने हमें जो शेड्यूल दिया हुआ है उसके हिसाब से आपका जो मिड है वो है 25 जन 2021 को, यानी 25 जनवरी 2021 को आप लोगों का क्या शुरू होगा जी, मिड होगा। अब गेम ये है कि आपका जो कोर्स है ना वो आपका कोर्स ये रहा, नजर आ रहा है जी, आ रहा है, ठीक है। अब आपके कोर्स के अंदर ये सारी चीजें हैं और ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आप लोगों का कोर्स कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये सारी चीजें हैं, अगर आप में से किसी ने आईसीएस किया हुआ है तो उसने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। अगर आपने 9th-10th के अंदर कंप्यूटर साइंस 9th-10th के अंदर कंप्यूटर की बुक पढ़ी है तो ये सारी चीजें उसके अंदर हैं। आपका कोर्स बहुत सिंपल सा है, हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट कमिंग वीक है उसके अंदर आपके मिड के सारी चीजों को खत्म कर दें, ठीक है। क्यों, इसकी वजह क्या है कि इन द फेयर सेंस अगर कॉलेजेस ओपन नहीं होते जनवरी में भी, कोविड के केसेस अभी स्पाइक कर रहे हैं तो आपके कॉलेजेस के जो कॉलेजेस हैं तब भी हमें अगर टेंशन ना हो, हमारा कोर्स खत्म हो चुका होगा, ठीक है। कोर्स बहुत सिंपल सा है, हम जो कोर्स को शुरू करते हैं, ठीक है। हम जो गेट स्टार्ट, सर फिर ऑनलाइन हो गए पेपर, मिड ऑनलाइन हो गए अगर कॉलेज ना ओपन हो जी? ये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये चीज यूनिवर्सिटी की टोटली यूनिवर्सिटी के स्वाभाविक के ऊपर है, यूनिवर्सिटी जैसा करना चाहे, ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जैसा भी होगा ना। मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको, राइट? आ रही है। व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा हमारा पहला लेक्चर है ये, और हम लोगों के पास जो टॉपिक्स हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस और ये वो हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी सिलेबस तो यूनिवर्सिटी ने दे दिया है और यूनिवर्सिटी ने हमें कहा है कि जी शुरू करो स्टोरेज डिवाइसेस से। हम स्टोरेज डिवाइसेस शुरू नहीं कर सकते क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कंप्यूटर क्या है हम आगे कैसे मूव करेंगे।
तो आज का जो लेक्चर है ये सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर होगा, और जो अगला लेक्चर होगा जो हम परसों से शुरू करेंगे वो हम अपने कोर्स को आगे लेके जाएंगे, ठीक हो गया? अच्छा, टॉपिक हमारे पास कंप्यूटर क्या है? सही हो गया। कंप्यूटर डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड कंप्यूट, कंप्यूट के मीनिंग होते हैं कैलकुलेट करने के, यानी कंप्यूटर्स को अगर मैं जनरल फॉर्म में बात करूं तो कंप्यूटर्स हमारे पास जो है वो क्या है? कैलकुलेटर्स है। कंप्यूटर्स की यूसेज भी इसी तरह आई थी कि कैलकुलेटर क्या होता है, कैलकुलेटर को हमें बताना पड़ता है उसे क्या काम, उसने क्या काम करना है, अगर हम उसे कोई नंबर्स नहीं देंगे तो कैलकुलेट नहीं करेगा। तो कंप्यूटर बनाने का मेन मकसद ये था कि कोई ऐसी मशीन बन जाए जिसे आप सिर्फ एक दफा बता दो और वो बाकी सारा काम खुद ब खुद करती रहे। यानी कंप्यूटर को अगर मैं सिंपल से वर्ड में कहूं तो हम उसे कहेंगे ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है? अच्छा, इन क्लास कंप्यूटर वाज नॉर्मली कंसीडर्ड टू बी कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। कंप्यूटर इनिशियली जो यूज किया गया था वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज किया गया था, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से थे हमारे पास? अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंटेज, ठीक है? ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। लेकिन हमने इन चीजों को एक्सटेंड किया है, हम लॉजिकल ऑपरेशंस पे भी लेके आए हैं। तो जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो हमारे पास हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड और नॉट, ठीक है? ये वो ऑपरेशंस हैं, ठीक है? जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं हमारे पास वो हैं ये प्लस माइनस, और जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं हमारे पास वो हैं ये सारे, ठीक है? अच्छा, टुडे कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट काइंड। आजकल हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम कंप्यूटर से हर वो काम दे रहे हैं जो लिया जा सकता है। यानी इन शॉर्ट, कंप्यूटर से आजकल हर वो काम हो रहा है जो इंसान सोच सकता है। कंप्यूटर की एक डेफिनेशन है, कंप्यूटर का जो एक वर्ड यूज किया जाता है कि कंप्यूटर बनाया गया था दुनिया जहान में जो जो फील्ड हैं उनको इजीनेस प्रोवाइड करने के लिए। यानी दुनिया में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, आपके पास इंग्लिश है। कंप्यूटर बनाने का मेन मकसद यही था कि वो तमाम फील्ड जो इस टाइम पे दुनिया में है उनमें आसानी आ जाए, हम आसानी से उन फील्ड को यूज कर सकें। कंप्यूटर साइंस अपने आप में कोई फील्ड नहीं है, ये फील्ड बनाई गई थी दुनिया की बाकी तमाम फील्ड को आसान करने के लिए, ठीक है? डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। यानी कंप्यूटर्स को हम जो कमांड्स देंगे और कंप्यूटर्स उन कमांड्स को सॉल्व करेगा। इसको सिंपल से वर्ड में कहते हैं, हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और हमें क्या देता है? इंफॉर्मेशन, ठीक है? या इसको हम लोग एक और काम देते हैं, हम लोग इसको कहते हैं, हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। इस सारी चीज को हम लोग एक और नाम देते हैं, इस सारी चीज को हम लोग कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। ये सारी चीज जो है या ये जो चीज है इसको डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है, ठीक है? फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड स्टोर्स देम इन इट्स ओन मेमोरी। कंप्यूटर हमसे डेटा लेता है,
इंस्ट्रक्शन देता है इनपुट पे और उन्हें अपने पास स्टोर करता है मेमोरी में। मेमोरी हम लोग कहते हैं किसको? रैम को। प्रोसेसर मैनिपुलेट्स डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन देन प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। ये जो वर्ड मैंने प्रोसेस यूज किया है इसका मतलब क्या है? आपके इनपुट को चेंज करता है किसी और फॉर्म में ताकि वो क्या बन जाए? इंफॉर्मेशन बन जाए या आउटपुट बन जाए। स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन परमानेंटली ऑन स्टोरेज डिवाइस फॉर लेटर यूज। अगर आपको वो डेटा बाद में भी चाहिए तो हम उसे स्टोर कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइस में। स्टोरेज डिवाइस हम लोग कहते हैं किसको? स्टोरेज डिवाइस हम कहते हैं हार्ड डिस्क को, यूएसबी को, सीडी को, हम लोग फ्लॉपी को कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेज जनरली रिक्वायर्ड। जब आपको जरूरत हो हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को वापस भी दे सकते हैं। कंप्यूटर में वो चीजें सेव है। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मेनी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स नोन एज कंप्यूटर हार्डवेयर। दूसरे वर्ड में हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इनको नाम देते हैं फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। हर वो चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है कंप्यूटर की उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। वो चाहे इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक है या मैकेनिकल चीज है। अ कंप्यूटर परफॉर्म्स डिफरेंट ऑपरेशंस अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दीज इंस्ट्रक्शंस टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। कंप्यूटर के अंदर चंद एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है। हमने कंप्यूटर से जो भी काम करवाना होता है हम उससे पहले कुछ उसे बता रहे होते हैं। जैसे मैं मोबाइल की बात करता हूँ तो मैंने मोबाइल में कोई चीज ओपन करनी है तो ओपन करने से पहले क्या करूंगा? मैं उस चीज को टच स्क्रीन पर टच करूंगा तो वो चीज ओपन हो जाएगी। ये एक इंस्ट्रक्शन है मोबाइल को दी गई कि जैसे ही आपकी स्क्रीन पे इस जगह पर टच होगा तो आपने इस चीज को ओपन करके देना है। इन इंस्ट्रक्शन को हम जो वर्ड देते हैं किसका? इनपुट का। सम इंस्ट्रक्शंस आल्सो कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। की तमाम इंस्ट्रक्शंस जो कंट्रोल करती हैं इन चीजों को कहा जाता है इनपुट। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क और टू कंट्रोल डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, उसको हम लोग नाम देते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे आपने कंप्यूटर पे गेम खेली है, अब हम लोग तो गेम को खेल रहे होते हैं एक्चुअली, लेकिन उसके पीछे क्या होता है? उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो चल रही होती हैं, जो हमें दिखा रही होती है कि जी आपका जो बंदा है वो स्क्रीन पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, आप मोबाइल से आप माउस से क्लिक करते हो तो वहां फायरिंग शुरू हो जाती है, आप स्कोप ऑन करते हो, स्नाइपिंग करते हो, आप तो कहीं गेम्स खेलते हैं पबजी और ये वो चीजें। ये एक्चुअली जो गेम्स हैं इनके पीछे इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन वो कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा होता है और हमें वो क्या दे रहा होता है? हमें वो दे रहा होता है आउटपुट, और उस आउटपुट का हम लोग व्यू कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गेम के। उस चीज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम। अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। आपका कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता जब तक उसके पास सॉफ्टवेयर ना हो। यानी सॉफ्टवेयर का मतलब जब तक उसके पास इंस्ट्रक्शंस ना हो कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर से कोई भी काम करना है तो हमें बताना पड़ेगा कि ये काम आपने करना है, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम कहलाएगा। सॉफ्टवेयर के अंदर मैं अगर सबसे पहले एग्जांपल दूं तो हम उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, या दूसरे वर्ड में आप लोगों ने इसको कहते हो विंडोज। हेलो सर। जी सर। सर सुनने में आया था कि 2 साल जो प्रोग्राम होते हैं ये खत्म हो गए हैं, बीए एडीपी वगैरह। नहीं तो एडीपी 2 साल एनुअल खत्म हुए हैं, आप लोगों का जो है वो है सेमेस्टर सिस्टम। सही। तो सेमेस्टर नहीं, सेमेस्टर को शुरू हुए हैं, एनुअल जिनके सालाना पेपर होते थे वो खत्म हो गए। सर जो हम अब मिड तक पढ़ेंगे उसके बाद एग्जाम देंगे मिड के, उसके बाद जो फाइनल होगा वो मिड वाला शामिल होगा उसमें या नहीं होगा? यूनिवर्सिटी कुछ भी डिसाइड कर सकती है। तो आपका जो भी कोर्स है आपको हर टाइम पे वो आना चाहिए। मिड में सिर्फ वही हिस्सा होगा जो हम मिड तक पढ़ेंगे, लेकिन फाइनल के अंदर सारा आ सकता है। फाइनल के अंदर जो रूल होता है आपका, उसका रूल ये है कि फाइनल के अंदर आप 80% शामिल कर सकते हो किसको? मिड को।
यानी मेड में जो चीजें आपने पढ़ी होंगी उनका 80% आप मेड में शामिल कर सकते हो अगर करना चाहो। अगर आपने जो फाइनल पढ़ा है वही बहुत है तो आपको मेड का शामिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मसला यह है कि आपका पेपर बनाएगी यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकती है। ठीक है सर, तो आप लोगों को अपना जो ओवरऑल कोर्स है वो हर टाइम पे आना चाहिए। ठीक सर, आप लोगों का कोर्स कोई मसले नहीं है, बहुत सिंपल सा कोर्स है, तो ज्यादा टेंशन लेने भी नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक सर। अच्छा, small computers is also fitted into many other electronic devices, mobile phone, toys, microwaves, oven, vehicles. Vehicle ke agar main example dun to car ke andar aap log ne computer dekha hoga, car ke andar ek meter hota hai jo dikha raha hota hai ki abhi aapka fuel bhara hua hai ya ab aapka fuel khatam ho gaya. Ek sui hoti hai, needle hoti hai jo move kar rahi hoti hai empty se leke full tak aur phir full se move kar rahi hoti hai empty tak. Isi tarah ek aur meter hota hai jo aapka speed dikha raha hota hai. इसी तरह एक और मीटर्स होते हैं आपके पास जो आपको दिखा रहे होते हैं, मैप्स दिखा रहे होते हैं कार के अंदर। तो कई ये छोटे कंप्यूटर्स होते हैं जो कार वगैरह के अंदर लगे होते हैं। अब जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे पास एक वर्ड यूज होता है डेटा। कि डेटा क्या है, हम लोग क्योंकि जब भी बात करते हैं सिस्टम की तो हम कहते हैं डेटा हम सिस्टम को देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर उसको क्या करता है प्रोसेस करता है और हमें क्या देता है इंफॉर्मेशन। तो हम लोगों ने बात करनी है कि जी डेटा क्या होता है, ये कैसे काम कर रहा होता है। अच्छा ठीक है, डेटा वर्ड डेटा रेफर्स टू फैक्ट्स कंसर्निंग थिंग्स पीपल ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स। डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा कहीं पे कोई चीज लिखी हुई है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा डेटा वो चीज होगी जिसकी हमें समझ नहीं आ रही होती। हमें समझ आती है किसकी, इंफॉर्मेशन की, हमें डेटा की समझ नहीं आती। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटा देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, उसे चेंज करता है किसके अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर, ताकि हमें उसकी समझ आ जाए। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा, यानी एक कलेक्शन है आर्बिट्री या इररिलेवेंट चीजों की, जो फैक्ट्स हो सकते हैं, जो पिक्चर्स हो सकती हैं, जो चार्ट हो सकते हैं, उसको कहा जाएगा डेटा। वर्ड रॉ मीन अनप्रिपेयर्ड और अनप्रोसेस्ड, यानी रॉ का मतलब है वो चीज जो चेंज नहीं की गई, वो चीज जो ओरिजिनल फॉर्म में है या जो बिल्कुल रॉ फॉर्म के अंदर है, बिल्कुल अनचेंज फॉर्म के अंदर है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, आप दुकान पे जाते हो और आपने वहां जाके एक दूध का पैक लिया, दूध का पैक जो है आपका वो मिल्क पैक का है। अब वो मिल्क पैक जब तक वो पैकेट फॉर्म में है आपको नहीं पता उसके अंदर दूध कैसा है। जैसे ही आप उस पैकेट को ओपन करोगे, आप मिल्क को देखोगे, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जी जो मिल्क है उसके अंदर क्या वो सही है या वो खराब है। यानी जब तक आपने उस पैक को ओपन नहीं किया हमें नहीं पता था, हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी कि उसके अंदर जो मिल्क है वो कैसा है। हो सकता है उसमें मिल्क हो जाए, उसमें पानी हो, तो वो चीज क्या हो गई, डेटा हो गई। हमें नहीं पता, हमने उसे खोला यानी हमने उसे प्रोसेस किया तो हमें पता चला कि नहीं जी उसके अंदर दूध है और वो सही है, तो ये चीज क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई। डेटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट नंबर्स इमेजेस ऑडियोज एंड वीडियो, डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा इज सिलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, इट डज नॉट गिव क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग, ये बिल्कुल सही और साफ सुथरे मीनिंग नहीं दे रहा होता, हमें नहीं पता होता डाटा क्या है, हम डाटा की बेस के ऊपर कोई डिसीजन नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप दुकान से मिल्क का पैक लेके आए तो उसके अंदर दूध ही होगा, हम डिसीजन नहीं ले सकते जब तक हम खुद उसे चेक ना करें। क्लास स्टूडेंट, यंग स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम्स ऑफ पेरेंट, मास्टर, टीचर, ये कुछ भी हो सकता है डाटा। इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, वो चीज जो चेंज हो चुकी है, वो चीज जो ओपन हो चुकी है, वो चीज जिसकी हमें समझ आ रही है उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा गिव्स क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग, इट कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, अब जो चीज जिसकी हमें समझ आ रही है हम उस चीज के बेस के ऊपर फैसले कर सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग, मैंने भी पीछे बात की है ऐसी, और प्रोसेस टू कन्वर्ट डेटा इंटू इंफॉर्मेशन, यानी दूसरे वर्ड के अंदर हम लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं और कन्वर्ट करते हैं उसका किसमें, इंफॉर्मेशन के अंदर, इसको हम जो कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग।
different operations are performed and data is converted into useful information. वो ऑपरेशंस क्या क्या है पीछे बात की है इनकी अरिथमेटिक है सॉर्टिंग के है सॉर्टिंग का मतलब होता है एक सीरीज में लेके आना आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल वगैरह के अंदर कंप्यूटर्स में ऑप्शन होता है कि आप इसे सॉर्ट कर लो नेम के हिसाब से तो नेम के हिसाब से करोगे तो एबीसी की फॉर्म में आ जाएंगे आप उसे डेट के हिसाब से कर सकते हो कि जिस डेट पे जो डाटा आया उस हिसाब से हो जाएगा आप उसे साइज के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो और डाटा फॉर्मेटिंग डाटा स्टोर करने के तरीके जैसे आप लोग अगर नोट पैड पे काम कर रहे हो तो आप टीएक्सटी के अंदर सेव करते हो आप वर्ड में कर रहे हो तो डॉट डीओसी के अंदर सेव कर रहे होते हो आप एक्सेल में काम कर रहे हो तो आप डॉट एसएलएक्स के अंदर सेव कर रहे होते हो तो ये चीजें आती हैं फॉर्मेटिंग की। डेटा कैन बी प्रोसेस मैन्युअली और बाय यूजिंग अ कंप्यूटर हम खुद भी डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और हम कंप्यूटर से भी कर सकते हैं पहले हम खुद ही करते होते थे उसमें हमें बहुत ज्यादा देर लगती थी तो हम लोग यूज करने लगे हैं किसको कंप्यूटर को Today, data is processed using a computer. Data instructions are given to computer. It processes data according to given instruction and converts it into required information or result. ये उस example दी हुई है data processing की. अगर हम इसको example को थोड़ा सा evaluate करें तो ये क्यों होगा? मैंने कहा two ये है मेरे पास data processing में मैं बताऊंगा मैंने करना क्या है. मैंने करना है इसको add और अब मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 तो ये पूरी एग्जांपल है हमारे पास जो हमें डिनोट कर रही है कि आपका डाटा प्रोसेसिंग कैसे हो रही होती है कि हमारे पास डाटा क्या था 2 और 2 हमने प्रोसेसिंग में बता दिया हमने उसका ऑपरेशन क्या करना है हमने ऐड करना है और इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास 4 अच्छा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक वर्ड यूज होता है बहुत ज्यादा हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हम लोग वर्ड यूज करते हैं आईटी क्या है टेक्नोलॉजी यूज फॉर प्रोसेसिंग स्टोरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन आईटी वो टेक्नोलॉजी है जिसकी बेस के ऊपर हम लोग कंप्यूटर का जो डाटा है जो डाटा कंप्यूटर में पड़ा हुआ है हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे होते हैं या दूसरे वर्ड में इसको कहूंगा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ उसको कहा जाएगा आईटी इजीएस्ट वे ऑफ वर्किंग यूजिंग सम टेक्निक एंड मशीन टेक्नोलॉजी हम उस चीज को कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इसको हम लोग एक नाम देते हैं किसका आईटी का इट कंबाइंस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन जिंस फॉर कैरिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या ऑल ओवर वर्ल्ड ये एक डेफिनेशन है आईटी की ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है आप लोग भी इसका यूज करिएगा डेफिनेशन क्या है ये कि आईटी जो है आपकी कंप्यूटिंग कर रही है हाई स्पीड कम्युनिकेशन जंक्शन के साथ यानी जो इंटरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह बड़ा जल्दी जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह मैं अगर एग्जांपल दूं तो वो हमारे पास होता है डाउनलोड या अपलोड तो ये जो हमारा डाउनलोड और अपलोड बड़ी जल्दी हो रहा होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड 3G यूज कर रहे हैं 4G यूज कर रहे हैं ये एग्जाम्पल है किसकी आईटी की वेबसाइट इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम वेबसाइट के ऊपर से डाटा डाउनलोड कर रहे होते हैं हम वेबसाइट से अपलोड कर रहे होते हैं तो ये सारी चीजें किसकी हैं आईटी की हैं मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं आईटी के यानी आईटी को जो हम डिवाइड करते हैं तो तीन कंपोनेंट्स को करते हैं वो है डेटा और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले डेटा होगा और इन्फॉर्मेशन होगा मीडियम और कम्युनिकेशन नेटवर्क वो नेटवर्क होगा यानी हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और फिर लाजमी सी बात है ये चीज कंप्यूटर की है तो हमारे पास हार्डवेयर भी होना चाहिए और सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो मोबाइल हमारे पास हार्डवेयर होगा और सॉफ्टवेयर क्या होगा एंड्रॉयड होगा अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो हमारे पास जो एक लैपटॉप है या पीसी है वो एक हार्डवेयर होगा और सॉफ्टवेयर उस पर क्या होगा विंडोज होगा वर्ल्ड बिकम ग्लोबल विजिट ड्यू टू आईटी ग्लोबल विजिट का मतलब हम गांव की एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे कि गांव में क्या कहा जाता है कि गांव में हर बंदा रहने वाला एक दूसरे को जानता है और आजकल के अंदर भी क्या है कि आपका हर बंदा एक दूसरे के साथ इंटरनेट से कनेक्टेड है फेसबुक की एग्जाम्पल लो हमारे फेसबुक से वो फ्रेंड होते हैं जो रियल लाइफ में हम लोग कभी उनसे मिले नहीं होते लेकिन फेसबुक में हम एक दूसरे को जानते हैं हम फ्रेंड हैं पीपल कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन और मैसेज इन सच अ मैनर एज़ इफ दे आर सिटिंग इन अ ड्राइंग रूम क्या आप ऐसे एक दूसरे से मैसेजेस शेयर कर रहे थे जैसे आप गाँव में सामने बैठे हुए अच्छा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है
कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले है स्पीड, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कंप्यूटर पे हम वो काम बहुत तेजी से कर सकते हैं जो काम करने में हमें दिन चाहिए, महीने चाहिए, हमें घंटे चाहिए। कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस और टास्क पर सेकंड, यानी ये लाखों करोड़ों अरबों टास्क सेकंड्स में परफॉर्म कर सकता है। अरिथमेटिक एंड सॉर्टिंग ऑपरेशंस और डिस्प्लेइंग इमेजेस, रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो, प्लेइंग म्यूजिक, और ये सारी चीजें दी हैं। स्पीड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो माइक्रो सेकेंड्स में होती है और नैनो सेकेंड्स में होती है, जबकि इंसानों की स्पीड जो होती है वो होती है सेकेंड्स के अंदर। यूजुअली मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़, इन चीजों का हम जो ख्याल कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये प्रोसेसर की स्पीड होती है। अब तो उनके कोर्स का हिस्सा नहीं है तो हम लोग इनसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो स्पीड होती है वो किसमें होती है, मेगाहर्ट्ज़ में होती है और गीगाहर्ट्ज़ में होती है। अगर मौका मिले तो आप अपने माई कंप्यूटर पे क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, तो वहां लिखा होता है ये साइन बने होते हैं जीएचजी और एमएचजी के। एंड डिफरेंट कंप्यूटर्स हैव डिफरेंट स्पीड्स, आप जैसे जैसे बड़े कंप्यूटर्स पे जाओगे तो उनकी स्पीड्स बढ़ती जाएगी। एक्यूरेसी, कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन कैलकुलेशन, इट प्रोसेसेस डेटा एंड प्रोड्यूसेस 100% एक्यूरेट रिजल्ट। इंसान से गलती होती है लेकिन कंप्यूटर से गलती नहीं होती। Accuracy of result depends upon correct input data and set of instructions given to computer. आपकी accuracy depend कर रही होती है कि जो आपने input दिया है वो सही होना चाहिए, तो information भी सही आएगी। अगर आपका input गलत है तो आपका जो information है, जो आपका output है, वो भी गलत होगा। Computer can perform billions or trillions of information in 1 second without any error. आपका computer अरबों खरबों ऑपरेशन एक सेकेंड में परफॉर्म कर सकता है विदाउट एनी एरर। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसा करना। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन मॉडर्न कंप्यूटर हैव अ वेरी लो फेलियर रेट। कंप्यूटर आप एक दफा खरीदते हो तो उसके खराब होने के चांसेस नहीं होते। जब तक कंप्यूटर चल रहा है आपका डाटा सही प्रोसेस होगा, आपको सही आउटपुट मिलेगा। मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। आपके जो बड़े कंप्यूटर हैं जिन्हें हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं, सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, मेन फ्रेम कहते हैं, वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को विदाउट एनी प्रॉब्लम परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटर वेरी रिलायबल एंड डू द टास्क एक्यूरेटली। आपके कंप्यूटर बहुत भरोसेमंद चीज है, यानी आपने जो कंप्यूटर खरीदा था उस टाइम पे आपने जो काम किया था और आप 10 साल बाद उस पर कोई काम करोगे तो वो वैसा ही काम होगा जैसा आपने पहली दफा किया था। मैनी पर्सनल कंप्यूटर्स हैव नेवर नीडेड अ सर्विस कॉल। आपके कई ऐसे कंप्यूटर्स हैं, हम अपने मोबाइल के एग्जाम्पल दें, हम मोबाइल एक दफा खरीदते हैं, हम उसे चेंज करते हैं क्योंकि नया आता है, लेकिन वो मोबाइल सही काम कर रहा होता है, हमें उस मोबाइल को रिपेयर करवाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। कम्युनिकेशन नेटवर्क आर ऑल्सो वेरी रिलायबल एंड जनरली अवेलेबल व्हेनेवर नीडेड। और दूसरा एक और वजह है कि आजकल हमारे पास सिग्नल जो है, नेटवर्क जो है, वो हर जगह अवेलेबल है। शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ नेटवर्क ना हो, वरना नेटवर्क हर जगह अवेलेबल है और हम हर जगह इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। और लार्ज इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज आर डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर एंटायर बिजनेस इज रनिंग थ्रू कंप्यूटर। कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी का मतलब है तसलसल। पीपल ऑफन हैव डिफिकल्टी टू रिपीट द सेम एक्शंस अगेन अगेन इन द सेम वे। इसके एग्जांपल में दूं, अगर आप साइन करते हो तो आपने जैसे साइन पहली दफा की है, आप दूसरी दफा वैसे साइन नहीं कर सकते। इंसानों में तसलसल नहीं है, हम लोग एक ही चीज बार बार सेम तरीके से नहीं कर सकते, जबकि कंप्यूटर एक ही काम बार बार सेम तरीके से कर सकता है। अ कंप्यूटर कैन रिपीट सेम एक्शंस कंसिस्टेंटली। कंप्यूटर विल कैरी आउट द एक्टिविटी इन एग्जैक्ट मैनर एवरी टाइम। आपने चाहे एक एक्टिविटी साल पहले की है, अगर आप दूसरे एक साल बाद करोगे तब भी वो काम वैसा ही होगा जैसा एक साल पहले हुआ था, कोई चेंज उसमें नहीं होगी। मेमोरी एंड स्टोरेज, कंप्यूटर के पास एक मेमोरी होती है जिसे रैम कहते हैं और स्टोरेज होती है जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। कंप्यूटर हैज इंटरनल मेमोरी, उसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, और एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल स्टोरेज, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी जिसको कहते हैं उसको कहा जाता है वर्ड रैम, और सेकेंडरी मेमोरी जिसको कहते हैं हम उसे कहते हैं हार्ड डिस्क।
कंप्यूटर स्टोर इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम एंड डेटा इन योर फैमिली मेमोरी ड्यूरिंग डेटा प्रोसेसिंग. जब डेटा प्रोसेस हो रहा होता है तो आपका डेटा हार्ड डिस्क से आता है रैम में, ताकि प्रोसेसर उसे प्रोसेस कर सके. जो रैम है आपकी वो टेम्पररी मेमोरी है, जैसे ही आपका सिस्टम बंद होगा रैम के अंदर जो कुछ पड़ा होगा वो सब जाया हो जाएगा. हम लोग इसको एक नाम देते हैं और हम इसको कहते हैं वोलेटाइल, यानी इजीली डिस्ट्रॉयबल. जबकि जो हार्ड डिस्क होती है वो होती है नॉन वोलेटाइल, यानी जब तक हम इसे डिलीट नहीं करेंगे हार्ड डिस्क में से डेटा डिलीट नहीं होगा. यानी जो रैम है वो टेम्पररी है जबकि हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंट है. डेटा एंड प्रोग्राम्स कैन बी स्टोर्ड इन इट्स एज लॉन्ग एज कंप्यूटर इज प्रोसेसिंग डेटा. रैम में उस टाइम तक डेटा रहेगा जब तक कंप्यूटर उसे यूज कर रहा है. जैसे ही कंप्यूटर का यूज खत्म होगा रैम में से डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. लेकिन वो डेटा आपके पास पड़ा कहाँ होगा, परमानेंट हार्ड डिस्क के अंदर. When the computer turned off everything from primary memory is erased, जैसे ही आपका सिस्टम बंद होगा आपके रैम में से हर एक चीज क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी. A large amount of data and programs can be stored permanently. आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जो भी चीज होगी वो परमानेंट होगी. जब तक हम उसे डिलीट ना करें उस टाइम तक आपकी हार्ड डिस्क के अंदर चीज पड़ी रहेगी. स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन जब भी हमें जरूरत होगी हम हार्ड डिस्क में से चीजों को यूज कर सकते हैं. ये नीचे से एग्जांपल दी हुई है. ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब है ऑटोमेटिक, यानी खुद ब खुद काम करना. हम कंप्यूटर को सिर्फ एक दो बताते हैं ये काम करना है, चाहे वो काम जितना मर्जी बड़ा हो कंप्यूटर उसे खुद ब खुद ही करता रहेगा. जैसे डाउनलोड की बात करते हैं, मैं 1 GB की फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ डाउनलोड पे लगाऊंगा, उसके बाद वो फाइल खुद ही डाउनलोड होती रहेगी. और जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगी मुझे एक मैसेज आ जाएगा कि जी आपकी फाइल डाउनलोड हो गई है, इसको सेव कर लें. Once data and instructions are given to the computer, it can automatically perform different operations on data. A computer can also control automatically different devices attached to it. जैसे प्रिंटिंग हो रही होती है, मैं एक दफा कह दूंगा कि जी मुझे इतने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने हैं और कंप्यूटर खुद ही सीक्वेंस में उन्हें प्रिंट करता रहेगा. It executes automatically program instructions one by one without any human assistance. हमें बार बार कंप्यूटर को बताना नहीं पड़ेगा. Versatility. Versatility refers to capability of a computer to perform different kinds of tasks with same accuracy and efficiency. Yani, पहली दफा कंप्यूटर में एक काम करने में अगर 1 सेकंड लिया है तो आप 1 साल बाद भी वो काम करोगे तो वो 1 सेकंड ही लेगा, वो 1 से ज्यादा सेकंड या टाइम ज्यादा नहीं लेगा. Different types of tasks can be performed through computer. हम गेम भी खेल रहे होते हैं, हम साथ साथ डाउनलोड भी कर रहे होते हैं और हम ईमेल भी सेंड कर रहे होते हैं. इसी वजह से वर्सेटाइलिटी, यानी आप एक वक्त में एक से ज्यादा काम कर रहे होते हो, हम इसको तो इसी वजह से जो हमारा कंप्यूटर है वो आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं. मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग का मतलब है कि आप कंप्यूटर में एक वक्त में एक से ज्यादा काम कर रहे हो. कंप्यूटर हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ मल्टीटास्किंग, अ यूजर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क ऑन द कंप्यूटर एट द सेम टाइम. एक ही वक्त में हम डाउनलोड कर रहे होते हैं, हम इंटरनेट ब्राउज भी कर रहे होते हैं और हम शायद साथ में गेम भी खेल रहे होते हैं. Characteristics in union. Communication. Computer has capability of communicating with other computers in computer network with the help of kiske? Internet. Nowadays computers are mostly used for exchanging messages or information through computer networks all over the world. Exchanging messages जो हैं, हमारे पास उसके लिए messengers होते हैं. या हमारे पास होता है ईमेल क्लाइंट. आप लोगों को शायद नाम इसका पता हो, जीमेल का, याहू का, या आपने ये भी शायद नाम देखा हो. आउटलुक, ये ईमेल क्लाइंट है. मैसेंजर के अंदर हमारे पास फेसबुक का मैसेंजर है. सर इनका पता, आउटलुक का माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है, ये हम मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं. इस पे हमें जीमेल मिलता है. किसके ऊपर? आउटलुक में हम जीमेल के लिए होता है ये, मतलब मीन के मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं. नहीं 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 नहीं, आउटलुक जीमेल के लिए नहीं होता. आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट है. आउटलुक यूज होता है आउटलुक के लिए या हॉटमेल के लिए. जीमेल और है. जीमेल आपके एंड्रॉइड फोन में फ्री इंस्टॉल आता है. जीमेल वगैरह ये क्लाइंट्स होते हैं. आपके ईमेल के आगे लिखा होता है @gmail.com. उसका मतलब क्या होता है कि ये जो मेल है ये गूगल पे,
इसी तरह यहू के, लेकिन आजकल जो हमारे पास इनके सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि हम जीमेल के सॉफ्टवेयर पे याहू भी रख सकते हैं और हम आउटलुक भी रख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो जीमेल का सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? जीमेल के लिए है। वो सबसे अच्छी सर्विसेज हमें जीमेल की देगा, वो हमें याहू और आउटलुक के लिए वो ज्यादा अच्छी सर्विसेज नहीं देगा। तो इसलिए ज्यादा बेहतर ये है, अगर आपका आउटलुक का ईमेल है तो आप आउटलुक का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, अगर आपका याहू का है तो आप याहू का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, ठीक है। फिर वर्ड होता है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कोई भी रुकावट वगैरह नहीं है, यानी दिल लगी से काम करना। कंप्यूटर कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। कंप्यूटर घंटों काम कर सकता है विदाउट किसी मसले के, जबकि हमें क्या होता है, हमें हर थोड़ी देर पर ब्रेक चाहिए होती है। इट डज नॉट टायर्ड वाइल वर्किंग, कंप्यूटर थक नहीं सकता। आफ्टर आवर्स ऑफ वर्क इट परफॉर्म्स ऑपरेशंस विद सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड एज इट्स फर्स्ट वन। आप 10 घंटे से कंप्यूटर चला रहे हो तो पहले घंटे जैसा काम हो रहा था 10 घंटे बाद भी सेम वैसा ही काम होगा, वो चेंज नहीं हो रहा होगा। नो फीलिंग्स, कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कंप्यूटर का गुस्सा नहीं आता, कंप्यूटर का सर्दी नहीं लगती, कंप्यूटर का गर्मी नहीं लग रही होती, ये सारी चीजें हमारे साथ हैं। यानी कंप्यूटर में जो भी काम आप कर रहे हो वो कंप्यूटर उस काम को किसी और तरीके से इफेक्ट नहीं कर सकता। डिसएडवांटेजेस दिए हमें कंप्यूटर के, हेल्थ रिस्क। आप कंप्यूटर को, हम लोग कंप्यूटर का बैठ के यूज करते हैं और बैठे रहने के बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं। ज्यादा कंप्यूटर का यूज करने का भी क्या है कि हम स्क्रीन को बहुत ज्यादा देर तक देख रहे होते हैं तो हमारी नजर के ऊपर असर पड़ रहे होते हैं, मोटापा आ रहा होता है। डेटा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, आपका सारा डेटा आपके कंप्यूटर में ही होता है, किसी ने आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया तो आपके तमाम डेटा को वो एक्सेस कर सकता है। वेस्टेज ऑफ टाइम, हम जनरली कंप्यूटर पे सारे टाइम काम नहीं कर रहे होते, हम गेम्स खेल रहे होते हैं, हम मूवीज देख रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, तो आपका टाइम अच्छा खासा वेस्टेज जा रहा होता है। कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर में वायरसेस बहुत ज्यादा आते हैं इंटरनेट के ऊपर, जिनकी बेसिस के ऊपर हमारा डाटा खराब हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, आजकल आपकी जितनी फैक्ट्रीज हैं उसमें सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, कंप्यूटर कर रहा है, तो लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है। पहले जो काम इंसान कर रहे थे अब वो काम कंप्यूटर कर रहा है तो बेरोजगारी हो रही है। प्राइवेसी वायलेशन, फिर वही बात करूंगा कि आपकी सारी चीज कंप्यूटर के ऊपर होती है तो हर वो बंदा जो आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है वो आपके डेटा को एक्सेस कर सकेगा। कंप्यूटर क्राइम्स, हमारी हर चीज कंप्यूटर पे होती है तो आजकल लोग आपके घरों में डाटा डालने के बजाय आपके कंप्यूटर को हैक कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, इसका लेक्चर हम लोग बाद में करते हैं क्योंकि टाइम हमारा खत्म होने वाला है। तो आज के लिए हम इतना ही बहुत है, ठीक है, खुदा हाफिज़। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है, अल्लाह हाफिज़। नहीं मैं तो, मुझे तो यही है कि 40 मिनट बाद ये बंद हो जाता है, लेकिन अभी बंद नहीं हुआ ये। मैं तो सर मेरे पास मेरे पास हो गया था बंद। आप बस टाइम क्या आ रहा है? 3:40। नहीं नहीं आपके पास बंद हो गई है या अभी स्क्रीन नजर आ रही है? सर बंद हो गई थी, दोबारा ज्वाइन किया। अच्छा दोबारा ज्वाइन किया? जी सर। अच्छा 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 अच्छा, तो चलो हम लोग फिर कंटिन्यू रखें इसको। जी सर चलें, ठीक है। टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टाइप्स क्या क्या हैं? एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर दूसरे वर्ड में ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जो, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, एनालॉग क्लॉक जो नंबर्स पे काम कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास एक वॉल क्लॉक लगी होती है, घड़ी जो दीवार पे लगी होती है जिसमें 1 से 12 तक डिजिट्स होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर से एक्सेप्ट इनपुट डेटा इन कंटिन्यूअस फॉर्म एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। हमारे पास एनालॉग की अगर मैं आपको एग्जांपल दे सकूं तो एनालॉग की जो एग्जांपल होती है ना हमारे पास वो इस तरह की होती है, वो यूं होती है ऐसे। हमारे पास ग्राफ बनता है, हम लोग इसको एक्चुअली एक नाम देते हैं, हम लोग इसको कहते हैं साइन
वेव, आप लोगों ने शायद फिजिक्स में पढ़ी होगी, इसे साइन वेव कहा जाता है, ये कंटिन्यूस फॉर्म होती है वेव की। एनालॉग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास हर एक पॉइंट पे वैल्यू चेंज होती है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू चेंज होती है। किस तरह चेंज हो रही होती है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको कह सकता हूं यहाँ पे, जैसे यहां लिखा होगा, ये होगा वन, यहां हो जाएगी टू, इधर हो जाएगी थ्री, यहां हो जाएगी फोर, इधर आ जाएगी फाइव, सिक्स, सेवन। आपके हर एक पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो रही होगी एनालॉग के अंदर। एनालॉग कंप्यूटर्स बहुत हैवी कंप्यूटर्स होते हैं और ये यूज होते हैं बड़े बड़े काम करने के लिए, जहां पे आपको डाटा, जहां पे आपको ज्यादा डाटा चाहिए होता है, जहां पे आपका डाटा कभी रुक नहीं रहा होता, जहां पे आपका डाटा हर एक मिनट बाद आ रहा होता है। इसके लिए मैं एग्जांपल दूं तो जो मैप्स होते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हो मैप में, तो आप देखो कि जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो वैसे वैसे मैप में भी आप मूव होते हुए नजर आ रहे होते हो। तो जो मैप्स वगैरह का सिस्टम होता है वो आपके पास एक्चुअली एनालॉग सिस्टम होता है, आपको रियल टाइम में डाटा आ रहा होता है। हम लोग इनको एक्चुअली नाम देते हैं रियल टाइम कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट डेटा इन कंटिन्यूअस फॉर्म एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। कंटिन्यूअस फॉर्म में डेटा आ रहा होता है तो मसला ये होता है आउटपुट देते हुए हम इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में आउटपुट नहीं दे सकते, क्योंकि आउटपुट तो हमने एक दफा देना होता है। तो हम लोग फिर इसके आउटपुट कैसे दे रहे होते हैं, ग्राफ्स में दे रहे होते हैं। दिस कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट एंड गिव आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। आउटपुट इज मेजर्ड ऑन अ स्केल। हम अब इसके अंदर ये नहीं देख रहे होते हमारे पास आउटपुट यू नहीं आ रहा होता यहाँ पे, जैसे जनरल आता है कि हमें यहाँ पे आउटपुट यू नहीं आएगा फोर, हमें यू आउटपुट आएगा एनालॉग के अंदर, हमें आउटपुट आएगा, आप लोगों ने मैथ में शायद पढ़ी हो, डोमेन और रेंज। हमारे पास आउटपुट आएगा, आउटपुट जो होगा इसका वो होगा टू से लेके फोर के दरमियान में, टू भी हो सकता है और फोर भी हो सकता है, हमें इस तरह के आउटपुट आएंगे, इन्हें एनालॉग्स कहा जाता है। जबकि जो हमारे जनरल सिस्टम है वो हमें आउटपुट इस तरह देते हैं, इन चीजों को कहा जाता है डिजिटल, इसको हम आगे देखेंगे। एनालॉग डेटा जो हमारे पास वोल्टेज है, करंट जो है, आपका करंट चेंज हो रहा होता है, साउंड है, स्पीड है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये चीजें दी हुई। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेजर कंटीन्यूअस वैल्यूज। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूजुअली बिल्ट फॉर स्पेशल पर्पसेस। आपका हर कंप्यूटर एनालॉग नहीं होता, आपका कंप्यूटर डिजिटल होता है। एनालॉग कंप्यूटर्स जनरली यूज किए जाते हैं स्पेशल कामों के लिए। आजकल एनालॉग कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं आपके पास राउंड द हाउसेस के अंदर, जहां पे करंट भेजा जा रहा है ग्रिड स्टेशन पे। दे हैव वेरी हाई स्पीड कंप्यूटिंग एलिमेंट्स यूज्ड टू प्रोसेस फिजिकल क्वांटिटीज। हाई स्पीड क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास हर वक्त डाटा आ रहा होता है, ये डाटा एक दफा नहीं देते, जबकि ये बार बार डाटा ले रहे होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स हैव लो मेमोरी साइज एंड हैव फ्यूअर फंक्शंस। ये बड़े कंप्यूटर्स होते हैं लेकिन स्पेसिफिक काम के होते हैं, ये उस काम के अलावा कोई और काम नहीं करते। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूं तो हम इसको कहते थे, इसका नाम था ट्यूरिंग मशीन। ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू कंट्रोल वेरियस प्रोसेसेस। They are also used in different fields of engineering and medicine. General purpose analog computers were first manufactured in 1930s. हमारे पास आजकल जो analog devices हैं वो कौन कौन सी हैं? Thermometer हैं। ये वो thermometers हैं जो जिनमें आप mercury के ऊपर देखते हो, जिसमें आप mercury आपका जितना ज्यादा ऊपर जाता है हम कहते हैं उतना temperature हो गया। आजकल digital thermometers भी आ गए हैं जो आपका number देते हैं, लेकिन analog भी हैं अभी। Analog clock है जो दीवार पे लगी होती है। वोल्ट मीटर हैं, आप लोगों ने फिजिक्स में देखे होंगे ये। स्पीडोमीटर हैं जो कार पे लगे होते हैं आजकल। जैसे ही स्पीड ज्यादा होती है नीडल आपकी ऊपर जाती है, और जैसे स्पीड कम होती है नीडल आपकी नीचे आ जाती है। जो दूसरी टाइप है हमारे पास वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल मीन डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है सिंपल या स्मॉल।
डिजिटल मीटर हमारे पास कंटिन्यूस पे काम वैल्यूज पे काम नहीं कर रहे होते, ये सिर्फ दो वैल्यूज पे काम कर रहे होते हैं। अगर वैल्यूज होती हैं कौन सी, जीरो या वन, इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं क्या, बाइनरी वैल्यूज। ठीक है, अच्छा it refers to binary system which consists of only two units, 0 and 1. Digital data consists of binary data represented by off or on. इसको हम लोग यूं भी कह रहे होते हैं, ऑफ का मतलब होता है 0 और ऑन का मतलब होता है 1. These pulses are increased and decreased in discontinuous form rather than in continuous form. हम लोग डिजिटल, जो हमारे पास एनालॉग होता है वो तो वेव की फॉर्म में होता है, लेकिन जो डिजिटल होता है वो यूं होता है, लो हाई फिर लो फिर हाई फिर लो। अब इस तरह होता क्या है, जो लो है वो होगा 0, जो हाई है वो होगा 1, लो फिर होगा 0, जो हाई होगा 1। जबकि एनालॉग के अंदर आपका डाटा हर बारी चेंज हो रहा होता है, जबकि डिजिटल के अंदर आपका डाटा जब जितना मर्जी चेंज हो वो हमेशा या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा। इन डिजिटल कंप्यूटर्स क्वांटिटीज आर काउंटेड राधर देन मेजर, आपकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो काउंट की जा रही होती हैं, वो गिनी जा रही होती हैं कि 0 कितनी दफा आया, 1 कितनी दफा आया, जबकि एनालॉग के अंदर आप उन्हें मेजर कर रहे होते हो, ऐड कर रहे होते हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, डिवाइड कर रहे होते हो। डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट्स बाय काउंटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स एंड गिव आउटपुट इन डिजिटल फॉर्म, वही काउंटर है। इट रिप्रेजेंट डेटा एंड डेटा सिग्नल 0 एंड 1 एंड देन प्रोसेसेस इट यूजिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। हम उसे काउंट करते हैं और अगेन उसे प्रोसेस कर देते हैं, किसके थ्रू, अरिथमेटिक ऑपरेशन से थ्रू और लॉजिकल ऑपरेशन से थ्रू। पीछे बात की, अरिथमेटिक ऑपरेशन है हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लॉजिकल ऑपरेशन है हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर यूज इन बिजनेस, आपके डिजिटल कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहे हैं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल है इसकी आपका स्मार्टफोन, आपका मोबाइल वो डिजिटल कंप्यूटर है। उसके बाद जो हमारे पास घरों में कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, पीसीज होते हैं, वो भी डिजिटल कंप्यूटर है। एग्जाम्पल भी हमारे पास IBM पीसी है, एप्पल मैकिंटॉश है। फिर एक तीसरे किस्म के कंप्यूटर्स होते हैं हमारे पास, उन्हें कहा जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो एनालॉग प्लस डिजिटल, ये वो कंप्यूटर होता है जिसके अंदर दोनों चीजें होती है, एनालॉग भी होता है और जब हमें जरूरत पड़ेगी कंटिन्यूस डेटा की तो हम एनालॉग हिस्से पे आ जाएंगे, जब हमें जरूरत होगी डिजिटल डेटा की यानी 0 और 1 की तो हम डिजिटल के हिस्से काउंट कर देंगे। ये स्पेशल पर्पजेस कंप्यूटर्स होते हैं, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होते और ये बहुत महंगे कंप्यूटर्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट होते हैं, ये साइंटिफिक फील्ड में होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं ये उनमें यूज किए जा रहे होते हैं। इन हॉस्पिटल्स दीज आर यूज्ड टू वॉच द पेशेंट हेल्थ कंडीशन इन ICU। हाँ, ICU के अंदर ये लगे होते हैं, आप लोगों ने शायद मूवीज में देखा हो कि जो पेशेंट ICU में बेड पे लेटा होता है उसके चेस्ट के ऊपर 2-3 सेंसर लगे होते हैं और वो सेंसर एक मॉनिटर से अटैच हो रहे होते हैं जो बीप कर रहा होता है, और उन सेंसर से हर सेकेंड में डेटा आ रहा होता है, उसके हार्ट बीट आ रही होती है, उसकी पल्सेस आ रही होती हैं, उसका टेम्परेचर आ रहा होता है, लेकिन वो डाटा हमें दिखाया जा रहा होता है डिजिटल फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में। डाटा आता हमारे पास किस फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में, और हमें दिखाया जा रहा होता है किस फॉर्म के अंदर, डिजिटल फॉर्म में। तो ये एग्जाम्पल है किसी हाइब्रिड कंप्यूटर के। देयर आल्सो यूज्ड इन टेलीमेट्री स्पेसशिप मिसाइल, टेलीमेट्री स्पेसशिप टेलीमेट्री यूज होती है जहां पे आपकी टेलीस्कोप लगी होती है, टेलीस्कोप्स वो स्कोप्स होती हैं जो जिनके थ्रू हम लोग जमीन पे बैठे स्पेस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसी तरह स्पेस शिप्स के अंदर भी यही चीजें लगी होती हैं, मिसाइल्स के अंदर भी यही चीजें लगी होती हैं। आगे है हमारे पास कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स कितने टाइप के होते हैं। अभी हमने टाइप्स की बात की थी कि कंप्यूटर्स के टाइप्स क्या क्या हैं, तीन टाइप्स होती हैं हमारे पास, एनालॉग है, डिजिटल है और हाइब्रिड है। अब है कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर क्लासिफाई कितने फॉर्म्स में होते हैं।
computers are being manufactured in different sizes, data processing speed, different sizes and different speeds and classified according to their data processing speed, amount of data that they can hold and price. Classified होते हैं तीन चीजों की वजह से, प्रोसेसर कितना है, डाटा कितना स्टोर कर सकते हैं और इनकी प्राइस क्या होगी. जनरली कंप्यूटर विद हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड लार्ज इंटरनल स्टोरेज इज कॉल्ड अ बिग कंप्यूटर. हाउएवर डिस्टिंक्शन हम कहते हैं कि कंप्यूटर नॉट ऑन द स्क्रीन टुडे मोबाइल फोन आर अवेलेबल दैट आल्सो हैव मेनी कंप्यूटिंग फीचर्स. कंप्यूटर साइज स्पीड प्राइस कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू फ्रोजन कैटेगरीज. कौन कौन सी कैटेगरीज हैं हमारे पास, सबसे पहले होते हैं सुपर कंप्यूटर, फिर होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, फिर होते हैं मिनी कंप्यूटर्स और फाइनली होते हैं पर्सनल कंप्यूटर. पर्सनल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे पास हमारे घर में होते हैं, या इनको दूसरे वर्ड में कहा जाता है हाउस होल्ड पीसी. ठीक है, अच्छा. सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर. It can process huge amounts of data and can solve complicated problems. Supercomputers duniya ke sabse powerful computers hain aur sabse tez computers hain. Ye bahut badi amount of data ko bahut jaldi solve kar sakte hain. It can also perform more than 1 trillion calculations per second. 1 trillion ka matlab hai 1 kharab calculations 1 second ke andar. A modern supercomputer consists of thousands of processors that work parallel to complete a specific task. हमारे पास जो घर में कंप्यूटर होता है उसमें एक प्रोसेसर होता है, जो कि सुपर कंप्यूटर्स में हजारों प्रोसेसर होते हैं. तो इमेजिन करो एक प्रोसेसर एक काम कर रहा है और हजार प्रोसेसर एक काम कर रहे हैं. टास्क इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स ऑफ द टास्क आर परफॉर्म्ड ऑन डिफरेंट प्रोसेसर्स एट द सेम टाइम. सो पैरेलल प्रोसेसिंग इज डन इन अ सुपर कंप्यूटर. कि आपका एक ही काम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड होकर एक साथ हो रहा होता है. इमेजिन करो आपका एक प्रोसेसर एक काम एक सेकंड में कर रहा है, तो सुपर कंप्यूटर आपके उस काम को हजार हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो आपका वही काम एक हजार हिस्से सेकंड में से कम कर दो उतना जल्दी काम करके दे रहा है आपको. इन अ सिंगल सुपर कंप्यूटर थाउजेंड ऑफ यूजर कैन बी कनेक्टेड एट द सेम टाइम. आपका एक सुपर कंप्यूटर एक वक्त में हजारों लोग यूज कर रहे होते हैं, जबकि हमारे जो घर में कंप्यूटर होता है उसे एक वक्त में एक बंदा यूज कर रहा होता है. सुपर कंप्यूटर हैंडल्स वर्क ऑफ ईच यूजर सेपरेटली. मोस्ट एक्सपेंसिव हैं सुपर कंप्यूटर, जिनकी कॉस्ट अरबों डॉलर्स में है. एग्जाम्पल उसने दी हुई है डीप ब्लू, ये नीचे उसने तस्वीर दी हुई है, ये सुपर कंप्यूटर है. पर्पज ऑफ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर यूज क्यों किए जाते हैं? वेदर फोरकास्टिंग, आप अपने वेदर की जो चीज वेदर बताने के लिए कि जी अब सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, बारिश कहाँ होगी, कितनी होगी, इन चीजों के लिए. न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए, न्यूक्लियर कंट्रोल सेंटर को कंट्रोल करने के लिए, आपके एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, आपकी गाड़ियां बनाने के लिए, आपके वेपन्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, ऑयल गैस की एक्सप्लोरेशन करने के लिए, जो बताते हैं जमीन में कितना नीचे पानी है, क्योंकि ये बड़े डेटा को बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं. सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च लैबोरेटरीज, एरोस्पेस सेंटर्स, लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स. न्यूक्लियर साइंटिस्ट यूज सुपर कंप्यूटर्स टू क्रिएट एंड एनालाइज मॉडल्स ऑफ न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन. अगर आपने फिजिक्स में चीजें पढ़ी हुई हैं फिशन का और फ्यूजन का, न्यूक्लियर सुपर कंप्यूटर के थ्रू ये मॉडल्स बनाते हैं कि अगर हम इस तरह करें तो हमें क्या नुकसान है, हमें फायदा क्या होगा. सुपर कंप्यूटर यूज इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन लाइक पाकिस्तान में या एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर में यूज हो रहे हैं और मिसाइल कंट्रोल सिस्टम्स में यूज हो रहे हैं, यानी आर्मी यूज कर रही है. फिर यूज होते हैं फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर या सेकेंड पावरफुल कंप्यूटर दुनिया के होते हैं, ये सबसे पावरफुल होते हैं सुपर कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम आते हैं. फिजिकली लार्ज साइज कंप्यूटर दैट कवर्स अबाउट 1000 स्क्वायर फीट, यानी 1000 मुरब्बा फुट जितने बड़े कंप्यूटर होते हैं. ये एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगे हैं, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर, अच्छे खासे प्रोसेसर होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते जितने सुपर कंप्यूटर में होते हैं. इट कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये भी खरबों इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड में प्रोसेस कर सकते हैं.
A largest mainframe computer can handle thousands of connected users at the same simultaneously. जो मेन डिफरेंस है ना सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम के अंदर वो ये है, सुपर कंप्यूटर एक काम को बहुत जल्दी करता है, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर हजारों काम एक साथ कर रहा होता है। सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है किसी भी एक काम को जल्दी करने के लिए, जबकि मेन फ्रेम बनाए जाते हैं हजारों काम एक साथ करने के लिए। मेन फ्रेम में जल्दी अच्छी चीज है, लेकिन मेन फ्रेम के अंदर एक और जो मेन क्वालिटी है उसकी वो ये है कि आपके हजार काम एक साथ हो रहे हो, चाहे जब मर्जी हो रहे हो, जबकि सुपर कंप्यूटर एक काम को जल्दी करता है। इट फुलफिल्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द यूजर्स एंड कंट्रोल्स देयर ऑपरेशन। यूजर ऑफन एक्सेस द मेन फ्रेम कंप्यूटर बाय अ डिवाइस टर्मिनल। टाइप्स ऑफ टर्मिनल, दो तरह के टर्मिनल होते हैं, डंब टर्मिनल होते हैं, इंटेलिजेंट टर्मिनल होते हैं। Dumb terminal is a simply input-output device. It has no processing and storage capability. It usually consists of keyboard and display screens or text screens. Dumb terminals, board terminals होते हैं जिनके साथ आपका कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता। वो जो डब्बा होता है ना हमारे पास सिस्टम यूनिट, जिसके अंदर आपका मदरबोर्ड वगैरह होता है, dumb terminals में वो नहीं होता। Intelligent terminals can perform some processing operations, but it usually does not have any storage. Intelligent terminals are faster than dumb terminals. In some mainframe environments, however, user can use a standard personal computer to access the mainframe computer. Mainframe computers के नीचे उसने तस्वीर बनाई हुई है। Mainframe computers are used in large organizations such as insurance companies, banks, and government departments. Mainframe computers are specially used as servers in a network environment. उसने एक example दी हुई है, IBM S390 ये बनाया हुआ है। फिर होते हैं मिनी कंप्यूटर। कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर्स नेम्ड एज मिनी कंप्यूटर्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एज कंपेयर्ड टू द अदर कंप्यूटर्स। ये स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं, छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, आर लेस देन मेनफ्रेम कंप्यूटर बट मोर देन अ पर्सनल कंप्यूटर, आल्सो नोन एज मिड रेंज कंप्यूटर। ये भी महंगे कंप्यूटर्स हैं, इतने ज्यादा सस्ते नहीं होते, ये लाखों में आते हैं। ये फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1960s में इंट्रोड्यूस हुआ था। Like a mainframe computer, a supercomputer, a mini computer also consists of multiple processors. The largest mini computer can handle hundreds of users simultaneously. Mainframe में आपके हजारों users आते थे, यहाँ पे 100 में आ गए। User can access mini computers through terminals or standard personal computers. Terminals फिर वही बात आ गई, दो तरह के होते हैं, dumb होता है और intelligent होता है। Also, some mini computers are designed for a single user, but most are designed to handle multiple users. नीचे उसने एक example दिया है, IBM AS/400 mini computer भी use होते हैं servers computers के तौर पे network environment पे। लेकिन आजकल हम लोग mini computers हमारे पास market में नहीं आ रहे। आजकल mini computers को ही हमने बड़ा कर दिया है और वो हमारे पास बन गए हैं personal computers। Personal computers को हम PCs कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर हैं ये, आर्टिफिशियली डेवलप्ड फॉर इंडिविजुअल यूजर। आपका पर्सनल कंप्यूटर एक वक्त में एक इंसान के लिए बनाया जाता है, एक यूजर के लिए बनाया जाता है। इट कैन बी यूज्ड बाय ओनली वन पर्सन एट अ टाइम। टुडे मोस्ट पीसीज कैन कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर एंड डिवाइसेज। आवर पर्सनल कंप्यूटर कंटेन्स आवर प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड स्टोरेज डिवाइसेज। इट कैन ऑल्सो कंटेन्स कम्युनिकेशन डिवाइसेज। इसके साथ कम्युनिकेशन डिवाइसेज भी होती हैं, इसमें वाईफाई का कार्ड लगा होता है और इथरनेट का, इंटरनेट की केबल जहाँ लगती है वो डिवाइसेज भी लगी होती हैं। आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड लेस एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन सस्ता कंप्यूटर आजकल अच्छा नहीं है। हम अगर महंगा सिस्टम जाए तो वही हमें कुछ ना कुछ फायदा दे रहा होता है। दे आर कॉमनली यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ सच एज होम, स्मॉल ऑफिस। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड शेप्स। IBM ने सबसे पहले बनाया था PC 1981 के अंदर। आजकल हमारे पास जो कंपनीज हैं PCs की वो HP है, Mac है, Apple है, Lenovo है, Acer है, कई कंपनीज हैं हमारे पास, IBM भी है। जो हमारे पास कंपनीज आजकल आ रही हैं वो हैं HP, Dell, Apple,
IBM, Lenovo, Acer, Asus, MSI, Predator, कई कंपनीज हैं। अच्छा कंप्यूटर में जाकर चाइनीज कंप्यूटर बेस्ड ऑन द ओरिजिनल आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन पहला पीसी आईबीएम ने बनाया था। तो आज भी जब भी किसी सिस्टम के साथ पीसी वर्ड यूज किया जाता है तो उस सिस्टम को आईबीएम से इजाजत देनी पड़ती है, यानी चाहे एचपी बनाए, डेल बनाए, लेनोवो बनाए, एसर बनाए, एसुस बनाए, एमएसआई बनाए, जो भी नया सिस्टम बनेगा पीसी है अगर वो, तो वो आईबीएम वालों को कुछ ना कुछ पे करेंगे। कॉपीराइट्स पीसी के अभी भी किसके पास है? आईबीएम के पास है। डेस्कटॉप कंप्यूटर की इन्होंने कुछ दिए हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर है। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ दिस कंप्यूटर कैन इजीली फिट ऑन अ डेस्क और अ टेबल। ये आउटर डेस्क कंप्यूटर से आ जाता है, टेबल कंप्यूटर से आ जाता है, ये तस्वीरें दी हुई है इन्होंने। मेन कंपोनेंट ऑफ डेस्कटॉप पीसी सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इनके ये जो बॉक्स आज पड़ा हुआ है इसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है। आपके डोम टर्मिनल के अंदर ये सिस्टम यूनिट नहीं होता, जबकि जो आपका जो जनरल टर्मिनल होता है उसके अंदर सब कुछ होता है। उसके अंदर मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है और एक सिस्टम यूनिट भी साथ होता है। सिस्टम यूनिट ऑफ डेस्कटॉप पीसी कैन ड्राइव सेट और ऑन और अंदर डेस्क और टेबल। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट मॉडल्स। कई मॉडल्स हैं, हर महीने में नया मॉडल आ रहा होता है। इन वन मॉडल सिस्टम यूनिट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल ऑन अ डेस्कटॉप। ये हॉरिजॉन्टल बड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, और किसी मॉडल के अंदर आपका वर्टिकल में खड़ा होता है, ये हम उसको टावर मॉडल कहते हैं। सिस्टम यूनिट एंड मॉनिटर आर प्लेस्ड ऑन अ डेस्क और टेबल सेपरेटली। पर्सनल कंप्यूटर्स की उसने ये चंदे को दी हुई है, एग्जांपल्स दी हुई है। पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं ये, आप एक जगह से दूसरी जगह इन्हें लेके जा रहे होते हो। पोर्टेबल का मतलब होता है इजी टू कैरी। उसके अंदर उसने एग्जांपल दिया लैपटॉप की। नोटबुक कंप्यूटर्स होते हैं, आपके पास 11 इंच के साइजेस में नोटबुक्स भी होंगे, लेकिन आजकल 21 इंच के आपके पास लैपटॉप्स आ रहे हैं। वेट इज अबाउट 1.8 केजी, 1.8 केजी पुराने साइजेस होते थे, आजकल हमारे पास जो लैपटॉप्स के साइजेस आ गए हैं वो 4 केजी प्लस आ रहे हैं। जितना अच्छा लैपटॉप लोगे, जितना अच्छा हार्डवेयर होगा उसके अंदर, जितना महंगा होगा उतना उसका वेट भी ज्यादा होता है। यूज लेस इलेक्ट्रिक पावर देन डेस्कटॉप कंप्यूटर। पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा थोड़ी है उसकी, स्पेशली इन द एजुकेशन फील्ड। अ लैपटॉप हैज बिकम द नीड ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड टीचर। अ लैपटॉप इज मोर एक्सपेंसिव देन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप महंगा क्यों है? बिकॉज वो इजी टू कैरी है, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो हमने उसके अंदर चीजें एडवांस किस्म की लगाई हुई है। लैपटॉप को हम अपने लैब डोर में रख के यूज कर सकते हैं, इस वजह से इसको लैपटॉप कहा जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर कैन परफॉर्म द सेम फंक्शन एज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। सेम फंक्शंस परफॉर्म करता है लेकिन उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करता। वजह उसकी यह है कि जो हमारे लैपटॉप कंप्यूटर हैं वो पावर थोड़ी देते हैं, जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर ज्यादा पावर दे रहे। सर लेक्चर कितने मिनट का होगा? आप बिजी हो तो आप लीव कर जाओ, मैं एक दो पूरी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर। डॉक्टर कंप्यूटर आल्सो हैज सेम इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेज एज डेस्कटॉप कंप्यूटर। सेम डिवाइसेज हैं उसके अंदर, उसी तरह है। डॉक्टर कंप्यूटर के अंदर हमारे पास आजकल ट्रैकबॉल यूज हो रही होती है, टच पैड जिसे हम कहते हैं, सेंटर में लगा होता है जिसके ऊपर आप अपनी फिंगर के थ्रू टच कर रहे होते हो, माउस की जगह पे वहां पे टच पैड होता है। Keyboard is fitted on the top of the system unit. Usually uses LCD monitor to display information. Monitor is attached to system unit with hinges. Hinges हम कहते हैं जिनको आप क्लोज करते हो फिर ओपन कर रहे होते हैं, जब तक हमारा बंद होता है फिर हम उसे ओपन कर रहे होते हैं, उनको हिंजिस कहा जाता है, वो लॉक्स।
जिनके थ्रू स्क्रीन आपकी ओपन होती है और बंद हो रही होती है। और डॉक्टर ऑल्सो हैज अ बिल्ट इन वायरलेस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, डॉक्टर के अंदर आपका वाईफाई का कार्ड लगा होता है। पोर्टेबल कंप्यूटर में टैबलेट्स भी आते हैं हमारे पास, आपको जिन्हें हम लोग नॉर्मल वर्ड्स में कहते हैं टैब्स। A tablet is like a laptop and can perform the same functions as a laptop. Physically smaller than laptop and larger than a mobile phone. Laptop से छोटा होता है लेकिन mobile से आपका ये बड़ा होता है, सिर्फ screen का हिस्सा होता है। आजकल हमारे पास laptop ऐसे आ गए हैं जिनकी screen अलग हो जाती है। It has a touch screen that is useful both input and output. Usually a digital pen or a stylus is used as input device. आप लोगों ने शायद Samsung के फोन देखे होंगे जिनके साथ एक छोटा सा पेन आ जाता है Samsung Note के साथ, उसे स्टाइलस कहते हैं, उससे हम स्क्रीन पे लिख सकते हैं कुछ। A standard keyboard can also be attached to a tablet, और हम उसके साथ keyboard attach भी कर सकते हैं। Many tablets you have a built-in microphone and a special software that accepts input from the user's voice. आप वॉइस कॉलिंग के फीचर्स आ चुके हैं, आप वॉइस कमांड्स भी दे सकते हैं। आजकल आपके टैब्स वगैरह में इमेज प्रोसेसिंग यूज की जाती है, हम फेस को देख सकते हैं। आपका मोबाइल आप फेस के सामने करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। लैपटॉप की तरह टैबलेट भी जो है हमारे पास रिचार्जेबल होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर टैबलेट से टाइप्स हैं, स्लेट टैबलेट हैं, कन्वर्टेबल टैबलेट हैं। टैबलेट वो टैबलेट होती है जो सिर्फ टैबलेट होती है, उसके साथ कोई कीबोर्ड नहीं होता। जो हम दुकान से जाके खरीद रहे होते हैं, हुआवे की आई हुई है, सैमसंग की आई हुई है, कई कंपनीज की आई हुई है। इट यूजेज एन ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड फॉर इनपुट, इसके अंदर एक टच कीबोर्ड होता है। अब फिजिकल कीबोर्ड कैन ऑल्सो भी अटैच टू दिस टाइप ऑफ टैबलेट, हम उसके साथ फिजिकल भी लगा सकते हैं। कन्वर्टेबल टैबलेट वो टैबलेट होते हैं जिनके साथ डिस्प्ले स्क्रीन अटैच होती है कीबोर्ड के साथ। कैन बी रोटेटेड एट 180 डिग्रीज एंड कैन बी फोल्डेड डाउन ओवर कीबोर्ड। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो स्लेट टैबलेट गियर है और जो कन्वर्टेबल टैबलेट हैं वो गियर है, ठीक है। मोबाइल डिवाइसेज, जो मोबाइल डिवाइसेज हमारे पास यूज हो रहे हैं, मोबाइल डिवाइसेज वो डिवाइसेज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती हैं। स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइसेज दैट कैन फिट इन द हैंड, these devices have small screens and some of them have small physical keyboards. These devices store information and programs permanently on special storage media. A mobile device can be connected to a personal computer for exchanging data. Internet, okay, almost her mobile devices aajkal internet enabled hai, hum inko smartphone kehte hain. Most of the mobile devices are connected by rechargeable battery, hum unhe charge kar rahe hote hain smartphones. हमारे पास आजकल जितने भी फोन आ रहे हैं वो सारे के सारे टच फोन हैं, लेकिन कुछ फोन जैसे भी थे जिनमें हम फोन नंबर को डायल कर रहे होते थे नंबर से, जैसे ये बने हुए। आजकल ये फोन नहीं होते। स्मार्टफोन्स कैन कम्युनिकेट वायरलेसली विद अदर डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, आपके स्मार्टफोन के साथ कोई वायर नहीं होती, इसमें आप सिम इंसर्ट करते हो और आप नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हो और आप वायरलेसली विदाउट वायर के एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। मीडिया वेव्स होते हैं, हम लोग इस पर सॉन्ग्स ऑडियो वीडियोस देख रहे होते हैं, इनमें कैमराज होते हैं, अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनमें एप्लीकेशन जो हैं, गेम्स हैं, स्प्रेडशीट्स हैं, वर्ड की फैसिलिटीज हैं, हम इनमें लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, हम गेम्स खेल सकते हैं, हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइसेस को दूसरे वर्ड में हम हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी कहते थे। 1990s में ये बनना शुरू हुए थे। हैंडहेल्ड कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस ही होती है, इसको हैंडहेल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हैंड के अंदर आकर फिट हो जाती है।
डिजिटल पेन होगा, स्टाइलस यूज, डिजिटल पेन यूज होता था या कीबोर्ड यूज होता था इसके साथ. Can communicate directly with other computing devices or computers. Handheld computers are also used by mobile employees. Mobile employees use कर रहे होते हैं, जो सारी चीजें use की जाती हैं. ये होता stylus. जिस stylus की हम लोग बात कर रहे थे ना, ये रहा वो stylus. ये वो pen जिससे हम mobile पे लिख रहे होते हैं, इसे stylus कहा जाता है. PDA stand for Personal Digital Assistant. आप लोगों ने शायद देखा हो अक्सर दुकानों पे जो कंपनीज का सामान आ रहा होता है, तो उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनके पास इसी तरह के छोटे छोटे से मोबाइल होते हैं. वो इन मोबाइल के ऑर्डर दे रहे होते हैं कि जी इतने पैकेट बिस्किट्स के चाहिए, इतने नूडल्स चाहिए, इतनी ये चीजें चाहिए, इतनी वो चीजें चाहिए, वो इधर ही देख रहते हैं. और पेपर्स पे नहीं लिखे जाते, वो इन डिवाइसेस पे लिखे जाते हैं, इनको PDAs कहा जाता है. वेब बेस्ड एंड यूजर कैन सेंड एंड रिसीव इमेज एंड एक्सेस इंटरनेट. सिमिलरली सम PDAs आल्सो प्रोवाइड टेलीफोन कैपेबिलिटीज. आजकल ये सारी आजकल हमें इन डिवाइसेस की अलग से जरूरत नहीं होती, ये सारी चीजें हमें हमारे मोबाइल में मिल जाती हैं. इसलिए हम अपने मोबाइल को कहते हैं स्मार्टफोन. सम PDAs हैव अ स्मॉल बिल्ट इन कीबोर्ड. PDAs आल्सो सपोर्ट वॉइस इनपुट. They also have built-in cameras and can function as a portable media player. Portable media players भी आप लोग देखे हुए हैं. ये पुराने वर्ड्स में हम इनको कहते थे MP3 player, जिनमें सिर्फ गाने सुन सकते थे. फिर MP4 players कहते थे उनमें जिनमें हम वीडियोस देख सकते थे. इनमें सिर्फ और सिर्फ हम या तो गाने सुन सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर रहे हैं. आजकल ये सारी चीजें भी हमारे पास मोबाइल में आ रही हैं. फिर इसी तरह हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस के अंदर ई बुक रीडर्स यूज हो रहे होते हैं. आजकल आपके पास कुछ एक स्पेशल डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस ऐसी आ चुकी हैं जिनमें सिर्फ आप पढ़ सकते हो, आप उसमें कोई और काम नहीं कर सकते. इसकी अगर एग्जांपल दूं तो आप लोग, इंटरनेट है आप लोगों के पास, आप कर सकते हो सर्च. हमारे पास एक डिवाइस है, हम उसे कहते हैं Amazon Kindle. ये एक डिवाइस है, ये Amazon Kindle एक टैब है, इसके ऊपर सिर्फ बुक्स पढ़ी हुई है, इसके और कुछ नहीं है. और इसमें आप ना कॉल कर सकते हो ना कुछ और कर सकते हो, ये सिर्फ एक पढ़ने की डिवाइस है. मोबाइल डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर रीडिंग ई बुक्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मीडिया सच एज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इन्होंने ATM का. ATM बैंक के बाहर लगी होती हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इंस्टॉल्ड इन मोस्ट ऑफ द बैंक्स और अदर पब्लिक प्लेसेस. इट इज सेल्फ सर्विस बैंकिंग टर्मिनल मशीन. आप लोगों ने यूज की हुई है इनको, आपको पता है इन चीजों का, तो ज्यादा डिटेल नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन देना मकसद था यहाँ पे. ये आपके बैंक के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती हैं. इसी तरह जैसे कि आप इसमें अपना कार्ड इंसर्ट करते हो और अपना पिन कोड देते हो, तो ये आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होता है उस बैलेंस को मेन दे जाते हैं. और आप जितना निकालते हो तो ये जितना आप कैश निकालते हो अब उतना आपके अकाउंट में से माइनस हो जाता है. और ये रियल टाइम ट्रांजेक्शन हो रही होती है, रियल टाइम हो रहा होता है. जैसे ही आपका कैश आएगा वहां पे आपके अकाउंट में से उतना हिस्सा माइनस भी हो जाएगा. प्लास्टिक गन कार्ड होता है, ये सारी चीजें दी हुई है इसकी. अच्छा, टॉपिक है हमारे पास यूजेज ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर्स के यूजेस क्या क्या है, कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है. कंप्यूटर हमारे पास एजुकेशन में यूज हो रहा है, हम स्कूल्स में कॉलेजेस में यूज कर रहे हैं. अभी भी हम लोग जिसकी बात करें कि कंप्यूटर के ऊपर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे हैं, हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिसे बाद में हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इजी है हमारे लिए, ये एजुकेशन की है. हमारे पास बिजनेसेस में कैसे यूज हो रहा है कि हम लोग अब घर बैठे ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं. मैं अपने घर में बैठा हुआ ऑनलाइन चीजें मंगवा रहा हूँ, मेरे घर में, मैं अपने ही घर में बैठा हुआ ऑनलाइन चीजें बेच भी रहा हूँ. बैंक, अब मुझे फिजिकली बैंक जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर में बैठा अपने मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन के थ्रू डाटा एक जगह से, पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा हूँ, कोई और बंदा मुझे भेज रहा है, मैं कोई चीज परचेस कर रहा हूँ. डिपार्टमेंटल स्टोर, हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर भी आजकल ऑनलाइन हो चुके हैं, वो आपके घरों में डिलीवरी कर रहे हैं कि जी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं कंप्यूटर पे और वो आपके घर पहुंचा के जाते हैं. एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट भी एग्जाम्पल दूं तो आप अपने
कंप्यूटर के ऊपर गेम्स खेल रहे हो, मूवीज देख रहे हो, अपना जो फ्री टाइम है राजा जन के आप बोर हो रहे हो, आप उस टाइम को पास आउट कर रहे हो एंटरटेनमेंट में। ई कॉमर्स के अगर एग्जाम्पल दो तो फिर वही एग्जाम्पल है ऑनलाइन शॉपिंग। मैं अपने घर बैठे हुए पूरी दुनिया में से कोई भी चीज कहीं से भी मंगवा सकता हूँ। हेल्थ केयर, आप अपने घर बैठे डॉक्टर से कॉल्स कर रहे हो, उनसे अपॉइंटमेंट दे रहे हो, उनसे वीडियो कॉल कर रहे हो, हर एक चीज देख रहे हो। साइंस, दुनिया में जो कुछ नया हो रहा है आपको घर बैठे पता चल रहा है, आप न्यूज सुन रहे हो, आप हर एक चीज देख रहे हो। पब्लिशिंग, आजकल न्यूज पेपर भी हम लोग घर जाके खरीदते नहीं है, हम ऑनलाइन न्यूज पेपर को पढ़ सकते हैं। बुक्स आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल है, हम उन्हें ऑनलाइन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ट्रेवलिंग, हमने बुकिंग करनी है, ट्रेवल करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हम ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी तरह अब हमें एक्चुअली कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है, हम घर बैठे हुए वीडियोज में उस जगह को देख सकते हैं। गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेके आती है, कोई कुछ लेके आती है, उसे कंप्यूटर के ऊपर पब्लिश कर देती है, इंटरनेट पर पब्लिश कर देती है, ताकि हर बंदा उसे इजीली देख ले। होम, हमारा घर इस टाइम पे कंप्यूटर कंट्रोल हो चुके हैं, आपके घर में कैमरास लगे होते हैं, हम उन कैमरास के आउटपुट को, वीडियो जो कैमरास बना रहे हैं, हम उसे घर बैठे देख रहे होते हैं, घर में भी देख रहे होते हैं, घर से बाहर भी देख रहे होते हैं। एग्रीकल्चर, आपका एग्रीकल्चर तक ऑनलाइन हो चुका हुआ है, हमारे पास जो वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम है कि पौधों को पानी कब देना है, वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम हो चुका हुआ है। आजकल हर एक चीज आपकी ऑटोमेटेड हो चुकी है। एनर्जी, जो आप रॉकडा आपकी एनर्जी बना रहा है, पानी से एनर्जी बन रही है, जो टर्बाइन मूव कर रही है, वो भी कंट्रोल किससे किसके थ्रू होती है, कंप्यूटर के थ्रू। लाइब्रेरी, हमें फिजिकली लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑनलाइन लाइब्रेरीज है, आप बुक का नाम लिखो इंटरनेट के ऊपर, वो बुक आपको फ्री में अवेलेबल है। डिफेंस, आपके मिसाइल सिस्टम्स, आपके स्पेशल रिकॉर्ड, हर एक चीज इस टाइम पे कंप्यूटर में ही है और कंप्यूटर पे लॉक में पड़ी हुई है। जिस पर्सन के पास उस लॉक की एक्सेस है, सिर्फ वही उस चीज को एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई और बंदा उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। इंटरनेट कंप्यूटर का सबसे बड़ा यूज है। इंटरनेट की हेल्प से हम किसी भी चीज को कहीं पे भी यूज इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। हर एक चीज हमारे पास इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन हो गई है। टॉपिक है हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT क्या होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ मॉडर्न यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन टुडेज लाइफ। A network of internet-connected physical devices, vehicles, and other objects or things to collect and exchange data wirelessly. IoT new field है, पिछले दो या तीन सालों में ये बहुत ज्यादा ऊपर आई है। IoT क्या कहती है कि आपकी devices wirelessly data एक जगह से दूसरी जगह easily भेज सकें। मैं अगर आपको सबसे example दूं तो हमारे पास आजकल ACs आ रहे हैं, जिन एसी को यूज करने के लिए आपको रिमोट एसी के रिमोट की जरूरत नहीं है, बल्कि आप मोबाइल से उस एसी को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, एसी के टेम्परेचर को लो कर सकते हो, हाई कर सकते हो। इवन आप अपने मोबाइल से अपने ऑफिस में बैठे हुए भी अपने घर के एसी को ऑपरेट कर रहे हो। अगर दूसरी एग्जाम्पल दें तो यूं बनता है कि आपके घर में वायरलेस कैमरा लगे हुए और आप उन कैमरे के आउटपुट को, वीडियो को कहीं बाहर बैठे हुए भी देख रहे हो। ये IoT है, यानी वायरलेसली आप अपने जगह को एक्सचेंज कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी अब जो आपके पास चीजें आ रही हैं, जो थिंग्स आ रही हैं, वो भी इंटरनेट केपेबल हैं। आपके घर में आने वाला AC, आपके घर में जलने वाला कैमरा, आपके घर में जलने वाला हीटर, वो सारी चीजें भी इंटरनेट केपेबल हैं। वो चीजें ऑनलाइन हो सकती हैं ताकि आप उन्हें कहीं और बैठे हुए भी ऑपरेट कर सको। ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया था, ऑब्जेक्ट कुछ भी है, कार है, जेट इंजन है, एयरप्लेन है, हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं, फिजिकल डिवाइसेज हैं, कंप्यूटर स्मार्टफोन्स हैं, जिनके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और डिवाइसेज आर एम्बेडेड विद कंप्यूटर चिप्स, सेंसर्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं, कैमराज होते हैं, माइक्रोफोन्स लगे होते हैं, जिनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं और शेयर कर रहे होते हैं।
smart devices are designed in such a way that they can communicate with each other or with human beings in real time through wireless communication connection or Wi-Fi connection. ये सारे के सारे आपके Wi-Fi connection के ऊपर based कर रहे होते हैं. User can access data or control individual objects using Gerber application, mobile apps. हम इन हमारे पास इनकी apps भी होती हैं या हम इन्हें website के थ्रू भी access कर रहे होते हैं. IoT है क्या? A smart home is a popular application of IoT. आजकल हमारे पास घर इस तरह के आ चुके हैं जिन घर में कैमरास लगे होते हैं और हम उन कैमरास को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर रहे होते हैं. आपके घर के अंदर शावर तक आपके मोबाइल से चल रहा होता है. लाहौर के अंदर DHA के अंदर इसकी स्मार्ट होम्स बनाए जा चुके हैं. A home equipped with various set of electronic devices that can be controlled remotely with a smartphone or a computer is called a smart home. और ये कंट्रोल किस थ्रू होता है? वाईफाई के थ्रू होता है. In near future, IoT will allow us to switch on air conditioning before reaching home. आजकल भी हमारे पास ऐसा ही है. हम लोग घर पहुंचने से पहले AC को ऑन कर देते हैं ताकि कमरा ऑलरेडी ठंडा हो. सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह हम लोग अपने लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं. ये लेक्चर जो था हमारे पास ये था इंट्रोडक्शन का. ये चीज़ें कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की हैं. आप लोग इसको देखिएगा, मुझे रिवर्ट बैक कीजिएगा कि क्वेश्चन होंगे तो हम लोग उनका डील कर सकेंगे व्हाट्सएप के ऊपर. और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो बनती है तो मैं उसको भी अपलोड कर दूँगा और आप लोगों को मैंशन कर दूँगा. थैंक यू. खुदा हाफिज़.